और सबसे शर्म की ये बात है कि वही जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो लोग थे और प्लेटफॉर्म में वे लोग थे जो खड़े होकर देख रहे थे, खामोश रहना सबसे बड़ा गुनाह है। ना इंसाफी हमारे सामने हो और हम कुछ ना करें, कुछ ना करें, तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये दोनों हादसे ये देश को हिला रहे हैं। सिर्फ ये दोनों हादसा की चोट पे वो दूसरी भी एक कमी है, राधिका बेटिया की, जिसके बारे में भी अभी फिक्र हो, जिसके बेटे ने उसकी कतल नहीं हुई मगर एक तरह से उसको कतल ही की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था वो। 2016 तीन साल हो जाएंगे कोई निर्मला के। एक महीने पहले 18 दिसंबर 2015 उन्होंने एक पत्र लिखा था वाइस चांसलर अप्पा राव को, ये कहते हुए अगली बार जब आप दलित मुसलमान बच्चे को एडमिट करेंगे तो एडमिशन के साथ साथ एक शहर की शीशी और एक पूरा तरह एक रोग भी दे दीजिएगा उसी इंसान को। ये खत का कोई कदर किया नहीं गया और वो अपना राव को जो यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था आंदोलन की वजह से, आवाज उठाने की वजह से, बेशर्मी से मोदी और स्मृति ईरानी के साथ में बैठे को वापस।